मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हो, फिफ्थ और सिक्स पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश, और जो आपकी यूनिट चल रही है वो सेकंड यूनिट है। और सेकंड यूनिट का जो आपका नाम है वो है इंग्लिश एज अ स्कूल सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम अभी तक कोरिलेशन पढ़ चुके थे। कोरिलेशन क्या होता है वो हमने पढ़ा था, और किस तरह से दूसरे स्कूल सब्जेक्ट, जैसे कि इस यूनिट का नाम ही इंग्लिश एज अ स्कूल सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी विषय, तो जब स्कूल सब्जेक्ट के रूप में है तो उसका दूसरे विषय से भी सहसंबंध पाया जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी कि विभिन्नता वाली जो क्लास होता है हमारी, उसके अंदर एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमें क्लास में जाते हैं तो हमें बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की भाषा वाले भाषागत समस्या भी आती, फिर ओरल जो है मतलब रिटर्न समस्या भी आपके सामने है, किसी को लिखना नहीं आता, उसके अलावा किसी की क्षमताएं होती है, तरह तरह की होती है, कोई एबिलिटी को लेके है, किसी चीज़ को लेके है, तो उस विभिन्नता भरी क्लास में एक शिक्षक को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से अपनी टीचिंग करानी चाहिए, ताकि सभी बच्चों जो सारे बच्चे हैं वो सभी एक साथ चल सके। यानी कि कुछ होते हैं हमारे क्लास में, जैसे कि कुछ होते हैं एकदम प्रखर बुद्धि जिनको एक बार में ही समझ में आता है, कुछ होते हैं औसत जो होते हैं, अधिकतर आपके पास एवरेज स्टूडेंट्स ही आते हैं जिनको आप दो बार में भी समझाओगे तो समझ में आने का मतलब उनकी जो समझने की क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, और एक होते हैं हमारे उनसे भी नीचे की कैटेगरी में, चाहे मतलब नीचे कैटेगरी नहीं बोल सकते उसको, मतलब कि मन बुद्धि हो, यानी कि थोड़ा सा उनका जो समझने का, जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस तरह के विद्यार्थी। तो इन तीनों, जब ये तीनों विभिन्नता वाली क्लास हमें मिलती है तो हमें किस तरह से टीचिंग को कराना है, यानी कि किस तरह से हम करा सकते हैं कि तीनों प्रकार के विद्यार्थी मतलब हमारे टीचर के साथ साथ हमारे कोर्स के साथ साथ चल सके, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो एक बार में समझ जाएंगे, कुछ विद्यार्थी हैं जो दो बार में समझ जाएंगे, और कुछ विद्यार्थी जिनको बार बार बताना पड़ेगा, तो बार बार के चक्कर में भी आप उनके लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में कंटेंट होता है और हमें क्लास को आगे बढ़ाना होता है, यानी आपके पास प्रिस्क्राइब कोर्स दे रखा, उस कोर्स के अंतर्गत आपको वो चीज़ें कंप्लीट करवानी ही है। एनी हाउ आपके पास में एक फाउंडेशन होती है कि आपको ये कोर्स कंप्लीट कराना है। यदि आप एकदम जो तेज है बुद्धि वाले उनके हिसाब से चलेंगे तो दोनों बच्चे बालक पिछड़ जाएंगे, आप एवरेज वाले स्टूडेंट के हिसाब से चल रहे हैं या एकदम लास्ट वाले की बात करती हूँ मैं, एकदम मंद बुद्धि वालों के हिसाब से चलोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे जो दोनों सामान्य और जो प्रखर बुद्धि वाले उनका नुकसान होगा, यानी कि कोर्स आपका पीछे रह जाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा। फिर हमें किस हिसाब से चलना, एवरेज वालों से, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जनरल आपको बता देती हूँ। इन इंडिया देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। हियर पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये आपको पता है कि भारत में हर कदम कदम पर जैसे पानी बदलता है वैसे वाणी भी बदलती है। देयर इज डाइवर्सिटी इन देयर लैंग्वेज कल्चर, समटाइम्स इन द क्लासरूम दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दे स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इन दिस सिचुएशन द इंग्लिश टीचर शुड keep this thing in mind that they should sometimes be taught individually and in the classroom they should pay attention on personal problems of students. There is always difference in grammar of the mother tongue in students and their second language. So the teacher should be very much careful while teaching English in the class. The learner should study English with open heart. In this matter, enthusiasm and interest play an important and vital role. Enthusiasm and interest may open all the doors of success, so the learners learn English with interest. If one has no interest in English, one cannot learn it. यानी कि जो मैंने आपको बताया कि विभिन्न विभिन्नताओं वाली क्लास आपको मिलती है, तो जब हम इंग्लिश के टीचर हैं तो हमें चाहिए कि हम देखेंगे कि सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हमारे पास नहीं आते, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले आते हैं। अगर हम हमारे एरिया की बात करें तो कहीं पर कुछ विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपको एंथुसिएज्म यानी थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा, इंटरेस्ट अपने टीचिंग में लाना पड़ेगा ताकि क्या विद्यार्थी उसको सीख सके, और जब तक हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा। तो मल्टीलिंगुअल जो होती है हमारी क्लास, उसके अंदर यही होता है कि जो विभिन्न भाषाओं से या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, उन परिस्थिति में हमें एक ही चीज़ करनी है, हमें एंथुसिएज्म एंड विद इंटरेस्ट वी हैव टू स्टडी, जो हमें स्टडी करानी खुद को भी करानी है या बच्चों को भी करनी, तो उनके अंदर भी एंथुसिएज्म और इंटरेस्ट को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी। नो डाउट द इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल कंट्री, बट द सिचुएशन इज नॉट अ ग्रेट ऑब्स्टिकल इन द पैथ ऑफ द लर्निंग इंग्लिश, यानी कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो विभिन्नताओं वाला देश है,
पर इंग्लिश सिखाने में या किसी भाषा सिखवाने में ये कोई एक तरह की रुकावट नहीं हो सकती यदि हम इंटरेस्ट के साथ में उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो इन आवर कंट्री देयर आर मैनी मोर पर्सन हु नो इंग्लिश बेटर देन दोज हु डू नॉट नो इंग्लिश कैन लर्न इट वेदर लिटिल एफर्ट एंड लेबर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इजीली सीख सकते हैं पर नहीं सीख पाते, पर कुछ लोग हैं जो ऐसे एरिया से आते हैं बैकवर्ड एरिया से आते हैं पर उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, एंथुसिएज्म होता है जिसके कारण वो जल्दी सीख जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है आपका वो है मल्टीकल्चर अवेयरनेस एंड लैंग्वेज टीचिंग, जहाँ मल्टी कल्चर अवेयरनेस आपको भी लानी है और वहाँ पर लैंग्वेज की टीचिंग आपको किस तरह से करानी है हम आपका कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मतलब भी आपका क्या है इसको आप थोड़ा सा स्प्रेड करके और इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।